हेलो स्टूडेंट्स इज वीडियो इज़ फॉर ग्रेड फिफ्थ सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश लिटरेचर एंड आवर पोएम नेम इज़ टीम वर्क विच इज़ यूनिट टू सो लेट्स स्टार्ट द नेम ऑफ द पोएम इज टीम वर्क टीम वर्क मीन्स कोई भी काम करना कोई भी काम करना टीम वर्क मीन्स काम करना कोई भी जब हम मिलकर एक साथ काम करते हैं टीम में जब हम मिलकर कोई एक साथ काम करते हैं तो उसको कहते हैं टीम वर्क सो लेट स्टार्ट दोएर टीम वर्क टीम टूगेदर वी कैन मेक अवर ड्रीम वर्क टीम वर्क टीम वर्क मीन्स जब हम मिलकर एक साथ काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं अपने टुगेदर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम अपने जो ड्रीम वर्क है जो हम सपने देखते हैं कोई भी काम करने के हम उन सपनों को एक साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ वट वी हैव डन उसके बाद हम क्या कर सकते हैं जो काम करने की जब हम अपने ड्रीम वर्क को पूरा करेंगे एक साथ तो उसके बाद उस काम को करने की जो खुशी में हमें मिलेगी वो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं मतलब बांट सकते हैं टीम वर्क एवरी वन इसीलिए हमें हमेशा टीम वर्क में मतलब मिलजुल कर आपस में काम करना चाहिए इट्स फंड टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप अब जो बास्केट मतलब जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो हम क्या करते हैं शूट करते हैं और तो जो हुप होता है जो बास्केट करने के जिसमें हम बास्केट डालते हैं तो उसको जब हम बास्केटबॉल को उसमें डालते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है फ़न आता है मतलब मज़ा आता है बट इफ़ नो बडी पासिस दैन नो बडी शूट लेकिन अगर कोई उसको पास ही नहीं करेगा तो कोई भी उस बास्केट को उस बॉल को उस बास्केट में नहीं डाल पाएगा मतलब अगर हम बास्केटबॉल जब हम खेलते हैं तो हम एक दूसरे को बॉल्स पास करते हैं इधर से उधर जो आगे रहता है फिर वो आगे जाके उस बॉल को बास्केट में जाता है लेकिन अगर पीछे से कोई बच्चा उसको पास ही नहीं करेगा तो वो अकेले नहीं खेल पाएगा तो इसी लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ़ नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटर और जो रिले रेस है रिले रेस क्या होती है रिले रेस एक रेस होती है जहां पे तीन चार बच्चे टीम मेंबर्स रहते हैं जो कुछ डिस्टेंस में खड़े होते हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ता है जो फर्स्ट बच्चा होता है उसके हाथ में एक बैटन होती है एक ट्यूब सी होती है जिसको लेकर उसको भागना होता है आगे वो दूसरे को पास करता है फिर दूसरा थर्ड मेंबर को देता है और थर्ड फोर्थ को तीसरा बच्चा चौथे वाले को पास करता है तो इस तरह से हमारी रिले रेस है जो पूरी होती है लेकिन एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नो नो बडी वॉन्ट्स टू पास द बैटन लेकिन हमारी जो रिले रेस है वो पूरी नहीं हो सकती है अगर कोई उस बैटन को जो शॉर्ट ट्यूब होती है अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे को पास ही नहीं करेगा तो पूरी नहीं होगी वी आर द पार्ट्स डैट मेक अप द होल ठीक है तो हम हिस्से हैं मतलब हम छोटे छोटे हिस्से हैं हम एक एक बच्चा मिलकर हिस्सा बनाता है जो कि पूरी मतलब पूरा एक होल बनाता है मतलब हम पूरे काम को पूरा करते हैं लाइक जैसे एक आ, क्रिकेट टीम होती है तो क्रिकेट टीम में हर किसी की ज़रूरत होती है एक फील्डर एक बॉलर एक बैट्समैन हम सब की जरूरत होती है तो वैसे ही हम हर एक बच्चा हर एक आदमी उतना ही इम्पॉर्टेंट है तो सबका अपना अपना एक रोल होता है तो अब जब हम छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर हम क्या बनाते हैं कम्प्लीट होल बनाते हैं एंड वी हैव गॉट अवर आईज ऑन अ कॉमन गोल उसके बाद क्या होता है हमारी जो आंखें हैं वो हमारी कॉमन गोल मतलब सबको क्या चाहिए होता है सबको सक्सेस चाहिए खुशी चाहिए इन्जॉय करना चाहते हैं सब तो सबका मोटिव एक ही होता है लाइफ में तो उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए समटाइम्स इट कैन बी अ बिग प्लस वेन यू एंड मी बिकम्स एन अस कभी कभी क्या होता है इट कैन बी अ बिग प्लस मतलब ये प्लस मींस एडवांटेज एडवांटेज मीन्स फ़ायदा कभी कभी ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जब हम मिलकर काम करते हैं जब क्या होता है वेन अ यू एंड मी बिकम्स एन अस जब आप और मैं मिलकर हम क्या मच जाते हैं हम अस मीन्स हम बन जाते हैं और हम कब बनेंगे जब हम मिलकर एक साथ सारा काम करेंगे सो वट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम कि हमें हमेशा टीम वर्क में काम करना चाहिए जिससे हमारा काम आसान और अच्छा और अच्छा हो जाएगा सो so, हेयर इज द पोएम वी हैव रेडिट नाव हेयर आर देयर आर सम वर्ड्स वी नीड टू लर्न टीम वर्क कंबाइंड एफर्ट ऑफ ग्रुप टीम वर्क मीन्स जब हम मिलकर सब लोग अपना बराबर का आ, काम करते हैं हु एक वुडन और आयरन रिंग होती है पासिस पासिस मीन्स मूव ऑनवर्ड मतलब आगे किसी चीज को पास करना रिले रेस रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस रेस होती है जो भी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की जिसमें एक डिस्टेंस में खड़े होते हैं जो टीम मेंबर्स होते हैं एंड बैटन एक शॉर्ट ट्यूब होती है स्टिक होती है जो रिले रेस में यूज़ की जाती है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे नॉट टूडेज योर होमवर्क इज़ यू जस्ट हैव टू राइट द पोएम इन योर कॉपी इन अ प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड जस्ट ड्रॉ द पिक्चर ऑल्सो नॉट द होल पिक्चर यू कैन ड्रॉ एनी टू चिल्ड्रेन फ्रॉम हेयर एंड कलर इट ऑल्सो सो डू योर होमवर्क And that's it for today.